हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द एग्जैक्ट स्ट्रेटजी हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। कोई कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हो जाएगा। कौन से डायमेंशन को पढ़ना है, सिलेबस को कैसे पढ़ना है, सिलेबस को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कौन से क्वेश्चन आएंगे उसको भी प्रेडिक्ट करेंगे, और 2022 में जो आईआर के क्वेश्चन थे उसको भी मैच करके देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन आया नहीं है। तो जो स्टेप वन जो आपको सबसे पहले फॉलो करना है, जो स्टेप वन आपको फॉलो करना है वो आपको सिनॉप्सिस आईएएस पे जाके GS 1 to 4 के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके रखा है, ये GS 1 से लेके 4 तक। तो उनके वेबसाइट पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करिए। ठीक है, तो ये पीडीएफ है GS 1 to 4 का। उसके बाद आप जाइए उन्हीं की वेबसाइट पे जो PSIR का जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल की भी क्वेश्चन है। सो दिस इज PSIR ऑप्शनल के क्वेश्चन, जिसमें हम सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट देखेंगे, और GS 1 to 4 वाले क्वेश्चन जिसमें सिर्फ हम इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट देखेंगे जो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने GS 1 to 4 वाला पीडीएफ डाउनलोड किया, उसके बाद आपने PSIR ऑप्शन वाला पीडीएफ डाउनलोड करा। तो हमें PSIR ऑप्शन वाला भी पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ता है ताकि उसमें से हम जो डायमेंशन है वो डायमेंशन निकाल सके, और वही क्वेश्चन आते आने वाले सालों में। जो क्वेश्चन यूपीएससी ऑप्शनल में पूछ चुका है 4-5 साल पहले, वो यूपीएससी जीएस में पूछता है आने वाले साल में। तो ये डिफरेंस है, और ये ऐसा पैटर्न रिपीट हुआ, इसलिए मैंने आपको बोला कि PSIR ऑप्शनल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने GS 1 to 3 4 वाले पीडीएफ को डाउनलोड किया और मैंने सिलेबस को देखा। तो सिलेबस में क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला सिलेबस है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो नेबरहुड में कौन सी कंट्री आती है, इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान आती है, चाइना आती है, श्रीलंका आती है, नेपाल आती है, म्यांमार आती है, भूटान आती है एंड अफगानिस्तान आती है। तो ये 5-6 कंट्रीज को हमें पढ़ना है, और लेकिन कंट्री में पढ़ना क्या होता है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले डायमेंशंस निकाल के, डायमेंशंस पूछते किस डायमेंशंस पे। तो मान लो अगर मैं अपने नोट्स भी दिखाऊंगा आप लोगों को, कि मान लो मैं इंडिया पाकिस्तान पढ़ रहा हूं, तो इंडिया पाकिस्तान में वो लोग क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द मेजर हर्डल्स, कि मतलब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में प्रॉब्लम क्या क्या, इशू क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या पूछा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड म्यूचुअल डिस्टर्बेंस हैव क्लाउडेड इन पाकिस्तान रिलेशन। तो मुझे पढ़ना है कि हाउ टेररिज्म इज अफेक्टिंग इंडिया, व्हाई इंडिया एंड यू नो पाकिस्तान हैव म्यूचुअल डिस्टर्बेंस, तो मैं ये पढ़ूंगा। ठीक है, उसके बाद में मैं पढ़ूंगा कश्मीर का इशू। कश्मीर का इशू देखो, अभी आर्टिकल 370 यू नो अबॉलिश हो चुका है, तो कश्मीर का इशू इतना तो पूछेंगे नहीं, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूछ सकते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में 2 बार पूछा है, तो मैं सियाचिन ग्लेशियर प्रिपेयर करके जाऊंगा। ये कहां से प्रिपेयर करूंगा, गूगल से करूंगा, कैसे करेंगे मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, उसके बाद में मैं शिमला अग्रीमेंट के बारे में पढ़ूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। जबकि हम इंडिया पाकिस्तान का हिस्ट्री पढ़ते हैं तो शिमला अग्रीमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं शिमला अग्रीमेंट के बारे में पढ़ूंगा। उसके बाद में पढ़ूंगा कि व्हाट इज ट्रैक टू डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान क्या होता है। ठीक है, फिर आगरा समिट क्या था ये पढ़ लूंगा मैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है वही पढ़ना होता है, तो हमें वही पढ़ना है। उसके बाद में मिसलिनियस चीजें ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखो इंडिया पाकिस्तान से इतने डायमेंशन निकल गए जो हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में हम जाएंगे ऑप्शनल वाले इसमें, ऑप्शनल वाले इसमें जाएंगे। आप देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, हम पढ़ेंगे इंडस वाटर ट्रीटी। हमें सिर्फ डायमेंशन चाहिए, हमें इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ डायमेंशन चाहिए। हमें जीएस वाले क्वेश्चन से तो हमें डायमेंशन मिल गए कि ये डायमेंशन पढ़ना है, अभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी देखते हैं कि उससे हमें कौन से डायमेंशन मिलेंगे। तो मैं तो भैया इंडस वाटर ट्रीटी प्रिपेयर करके जाऊंगा, हो सकता है आने वाले साल में यूपीएससी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूछे। उसके बाद में मैं बताऊंगा कि हाउ इंडिया हैज शिफ्टेड इट्स फॉरेन पॉलिसी। अभी हम ज्यादा रिलेशन रखते नहीं है पाकिस्तान के साथ में, ना हमारे डिप्लोमेटिक ज्यादा रिलेशन है उनके साथ में, ना इकोनॉमिक रिलेशन है ज्यादा उनके साथ में, जब से हमारे इंडिया में पठानकोट अटैक हुआ है तब से। तो मैं वो पढ़ूंगा। वापस से देखो, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूछा, जीएस में भी पूछा था, ऑप्शन में भी पूछा है, तो मैं सिर्फ सियाचिन ग्लेशियर पढ़ के जाऊंगा। उसके बाद में पीस प्रोसेस आफ्टर कारगिल वॉर, ये पढ़ने तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ने तो नहीं पढ़ सकते। ठीक है, उसके बाद में व्हाट आर द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को सुधारने के लिए हमने क्या क्या मेजर्स लिए, वो उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में क्या है कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान, ये पढ़ना है हमें। ठीक है, उसके बाद में क्या पढ़ना है, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कॉपरेटिव एंड फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये पढ़ना है। और इंडस वाटर ट्रीटी वापस से रिपीट हो गया। तो मेरे पास कम से कम 8-10 पॉइंट आ गए, 8 से 10 डायमेंशन आ गए, 8 से 10 डायमेंशन मेरे को प्रिपेयर करके जाना है इंडिया पाकिस्तान के लिए, और मैं वैसे ही प्रिपेयर करके जाऊंगा, 8 से 10 डायमेंशन प्रिपेयर करके जाऊंगा, और अगर कोई करंट अफेयर में न्यूज आ रही है तो उसको ऐड ऑन कर दूंगा और हो गया मेरा इंडिया पाकिस्तान। सिमिलर मैंने इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, उसके लिए भी मैंने सिमिलर किया, मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे कि मान ले इंडिया बांग्लादेश है, ठीक है, या फिर इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल है, तो लेट्स एग्जांपल लेते हैं, इंडिया नेपाल का एग्जांपल लेते हैं। तो इंडिया नेपाल में क्या पूछ रहे भैया, 2-3 इश्यूज पूछ रहे हैं वो लोग। क्या पूछ रहे हैं कि भैया नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन का इशू है वो क्या है, मतलब नेपाल में 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं वहां पे, तो क्या इशूज है भैया। उसके बाद में क्या पूछा, व्हाट आर द वीक स्पॉट्स का मतलब क्या होता है कि दोनों के रिलेशन में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या पूछा है, मदेशी कौन है, तो जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। ये दूसरा यू नो डायमेंशन है मदेशी के बारे में, पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के बारे में, तीसरा है कि दोनों कंट्री के बीच में क्या इशूज है। ठीक है, चौथा है ये प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, ये कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट है, तो ये पॉइंट वापस से रिपीट हो गया। उसके बाद में व्हाट आर द कॉपरेशन बिटवीन इंडिया नेपाल, तो ये हो गया 5वां पॉइंट, मुझे कॉपरेशन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में क्या पढ़ना है, चलो ये तो नहीं पढ़ना है, अभी मैं चलता हूं ऑप्शन वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि ऑप्शन में क्या पूछा इंडिया नेपाल के रिलेटेड, तो ये नेपाल वाले क्वेश्चन है। तो नेपाल में क्या पूछा है, अगर मैं देखूं तो हाँ, तो देखो बॉर्डर के बारे में पूछा है कि इंडिया नेपाल रिलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट पब्लिकेशन ऑफ न्यू नेपाल इज रॉन्गली क्लेमिंग इंडियाज टेरिटरी। तो इंडिया नेपाल ने क्या किया कि एक नया मैप निकाला 2017-18 में, जिसमें इंडिया के रीजन को अपना रीजन बताया, तो ये बॉर्डर इशू है। तो बॉर्डर इशू आगे मेरे पास एक डायमेंशन,
ठीक है, उसके बाद में क्या पूछा है ये तो, हाँ चाइनाज प्रेजेंस, देखो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेजर पावर सच एज चाइना यूएसए इंपैक्टिंग इंडिया इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, मतलब चाइना अभी अपना प्रेजेंस बना रहा है नेपाल में, तो उसका इंपैक्ट हमारी इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे क्या होगा, तो जैसा चाइना नेपाल के क्लोज जाएगा तो उसकी उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी तो पड़ेगा ना, इंडिया की तो अपनी इंटरेस्ट है चाइना में, सॉरी नेपाल में, तो इंडिया के इंटरेस्ट में हार्म होगी, तो ये एक डायमेंशन मिल गया मुझे। ठीक है, उसके बाद फीचर्स ऑफ इंडियन इंडिया नेपाल रिलेशन ये पढ़ लूंगा मैं, उसके बाद में व्हाट आर द मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, तो वही याद करो वो क्वेश्चन को, व्हाट आर द मेजर, ये जीएस में भी पूछा था जी, कहाँ गया वो वीक स्पॉट्स, ये देखो ये वीक स्पॉट्स पूछा और यहाँ पे क्या पूछ लिया, यहाँ पे पूछ लिया मेजर इश्यूज, तो वीक स्पॉट्स और इश्यूज एक ही होता है, बस शब्दों को घुमा के पूछा है। सो आप लोगों को क्या करना है, ये डायमेंशन निकाल लेना, जब आप ये डायमेंशन निकालोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल करना है व्हाट आर द मेजर इश्यूज बिटवीन इंडिया नेपाल, आपने गूगल किया उसके पॉइंट्स मिले आपको, आपने पॉइंट्स लिख लिए, व्हाट आर द मेजर इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, व्हाट आर द बॉर्डर इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, तो जब आप गूगल कर लोगे तो आपके पास दृष्टि आईएएस, सिनॉप्सिस आईएएस, उसके बाद में इनसाइट वाला या फिर बायजूस वाला या अलग अलग वेबसाइट्स के नोट्स आ जाएंगे, तो किसी के भी नोट्स उठा लो उसमें से दो 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 तीन 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 पॉइंट निकाल लो, वे फॉरवर्ड बना लो, ओके आपका आपके नोट्स तैयार हो गए। मैं अपने भी नोट्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने कैसे नोट्स बनाए। सो इफ आई गिव माई एग्जाम्पल, तो आई आर मीन्स आई आर है नेबरहुड, तो नेबरहुड में अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखते हैं कि अफगानिस्तान में क्या पूछा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अगर मैं हेल्प लूं, मैंने इसमें जीएस की भी क्वेश्चन पेपर इंक्लूड किया है और ऑप्शनल की भी क्वेश्चन पेपर इंक्लूड किया है, तो क्या पूछा है, देखो मेजरली अगर मैं क्वेश्चन का थीम देखूं तो तालिबान के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे अगर अफगानिस्तान से क्वेश्चन आएगा, या फिर अफगानिस्तान में जो वॉर चल रहा है उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा 1996 में आया कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान आफ्टर वन आफ्टर लास्ट ईयर, जब 1996 में तालिबान पावर में आ गया था अफगानिस्तान में, तो उसके बाद में पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हुई, फिर क्या पूछा कि भैया ये तालिबान कौन है, इनका क्या एम है, ये चाहते क्या है, ठीक है इनके वजह से जियोपॉलिटिक्स कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है, ये पूछा है, फिर अगेन वही पूछा है एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान इन पोस्ट तालिबान पीरियड 2005, फिर क्या हुआ आपको पता होगा 2020 में ये यूएस वाले अफगानिस्तान को छोड़ के चले गए, और जैसे ही अफगानिस्तान को छोड़ के चले गए तो तालिबान पावर में आ गई, और जैसे ही तालिबान पावर में आ गई यूपीएससी ने वही क्वेश्चन पूछ लिया। ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डज द रीसेंट टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान बाय तालिबान इंपैक्ट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, देखो ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हर जगह कॉमन है, मतलब ये पूछ रहे कि अगर चाइना नेपाल में आ गया तो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का क्या होगा, अगर तालिबान इंडिया अफगानिस्तान में आ गया तो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का क्या होगा, तो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये पैटर्न को देखो, पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके मॉडल आंसर पहले बना के रखे, अब मैंने इसके मॉडल आंसर बना के रखे तो क्या होगा कि आने वाले साल में ये ऑप्शन में क्वेश्चन आया था 2021 की ऑप्शन में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब मान लो आने वाले साल में अगर क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने कि व्हाट विल द इंपैक्ट ऑन इंडिया व्हेन तालिबान ने अभी टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान पे, तो इसका रेडीमेड आंसर है मेरे पास, जैसे कि रोल ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान क्या है, मैंने कुछ डायमेंशन पहले से बना के रखे, हिस्टोरिकल बॉन्ड क्या है हमारा, हमारा अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, तालिबान कौन है, क्या वो चाहते हैं, ठीक है रीजन क्यों अफगानिस्तान यूएस ने अफगानिस्तान को क्यों छोड़ा, ठीक है क्या रीजन था, इंडिया के लिए कंसर्न क्या है कि अभी यूएस चला गया तो इंडिया के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है हमारे और तालिबान के पास में रिश्ते कैसे थे, ठीक है उसके बाद में हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे इंपैक्ट क्या होगा, तो ये मैंने पहले से बना के रखे। उसके बाद में एक छोटा सा मैंने वे फॉरवर्ड बना के रखा है, अभी पॉइंट्स का मेरे पास मुझे इतने पॉइंट्स मिलते, इतने अभी न्यूज में अगर पॉइंट्स आएंगे तो मैं इसमें ऐड करते रहूंगा, तो आपको आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर अभी हम 2022 का पेपर देखें तो 2022 का अगर आप पेपर देखोगे तो कुछ ऐसा नया नहीं आया, रिपीट ही हुई है चीजें, मोस्टली रिपीट हुई है। अगर मैं आपको देखो तो एक बांग्लादेश के ऊपर से क्वेश्चन आया, एक ITU2 से क्वेश्चन आया था, और एक बिम्स्टेक और सार्क से क्वेश्चन आया था, तीन क्वेश्चन आए थे, तो इन दोनों क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न ही आया कि कुछ नया है। सो इफ विल सी जी, अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ITU2 से पूछा है। अब देखो ये ITU2 है क्या, इंडिया इजराइल यूएई यूएई और यूएसए, इन दोनों का एक ग्रुपिंग है। तो अगर आप सिलेबस में देखो तो एक 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 ये है पॉइंट है जिसमें ग्रुपिंग्स के बारे में बोला है, तो सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं पूछा है, सिलेबस के अंदर से ही पूछा है, जो भी पूछा है सिलेबस के अंदर से ही पूछा है, सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं पूछा है। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सिलेबस में तो लेट मी चेक, इंडिया ग्लोबल साउथ रिलेशन, अफ्रीका नहीं, लैटिन अमेरिका रिसेंट डेवलपमेंट इन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है ये भी नहीं है। उसके बाद में हाँ ये देखो रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, देखो एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो इंडिया है ऑलरेडी, और ये न्यूज में भी चल रहा था, ITU2 न्यूज में भी चल रहा था, उसके पहले क्वाड के बारे में पूछा था 2021 में। तो ऐसे ऐसे ग्रुपिंग्स जो न्यूज में चल रहे, जो जिसमें इंडिया उसका हिस्सा है, तो ऐसा ग्रुप के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा यूपीएससी, क्योंकि सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि ऐसा ग्रुप जिसमें इंडिया है, चाहे वो ग्लोबल ग्रुपिंग हो सकता है या फिर रीजनल ग्रुपिंग हो सकता है। तो ये नया ग्रुप बना ITU2, तो ITU2 के बारे में आपको पढ़ना ही है क्योंकि सिलेबस में दिया, तो सिलेबस का सीधा सीधा क्वेश्चन ही है, सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये ITU2 हो गया। उसके बाद में
अगर देखें तो एक बांग्लादेश के ऊपर क्वेश्चन, सॉरी श्रीलंका के ऊपर क्वेश्चन था जिसमें श्रीलंका में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, और बिम्स्टेक और सार्क के ऊपर क्वेश्चन था। तो अगर मैं ये देखूं कि इंडिया इंडिया एंड श्रीलंका आर ओल्ड एज फ्रेंड्स, और जो इंडिया श्रीलंका में भी रिसेंट क्राइसिस चल रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बारे में पूछा है। तो अगर आप न्यूज को फॉलो कर रहे हो तो न्यूज में तो बार 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 श्रीलंका के बारे में दिया है, न्यूज में चल रहा था, हर जगह श्रीलंका के बारे में चल रहा था। तो क्या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में श्रीलंका के ऊपर क्वेश्चन पूछे, तो वो देखते हैं। अगर हम श्रीलंका के पास जाए तो श्रीलंका जाएगा नेबरहुड में, जो सिलेबस का पार्ट है नेबरहुड, तो वहां से क्वेश्चन पूछा म्यांमार श्रीलंका। ठीक है, अब देखो श्रीलंका के ऊपर कितने बार कौन से डायमेंशन में क्वेश्चन पूछा है, तमिल प्रॉब्लम के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उसके बाद में डिस्कस इंडियन श्रीलंका रिलेशन, हम दोनों के रिलेशन के बारे में पूछा है। उसके बाद में ये क्या एक्सप्लेन इंडिया स्टैंड्स ऑन लाइट नहीं LTTE, LTTE चाहिए थे यहाँ पे, तो अगेन ये तमिल प्रॉब्लम ही है। इंडिया श्रीलंका रिलेशन डिस्कस हाउ डोमेस्टिक फैक्टर इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी, तो ये इसके बारे में पूछा है। फिर उसके बाद IPKF के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है जो GSA। अब हम ऑप्शनल की तरफ चलते हैं कि ऑप्शनल में कौन से डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं इंडिया श्रीलंका के बारे में। तो अगर मैं इंडिया श्रीलंका, ये बांग्लादेश नेपाल, लेट मी चेक श्रीलंका, बांग्लादेश श्रीलंका, तो श्रीलंका के ऊपर देखो श्रीलंका के ऊपर भी IPKF के बारे में क्वेश्चन पूछा है, इतना ज्यादा नहीं पूछा है ऑप्शन में, श्रीलंका के बारे में इतना नहीं ज्यादा पूछा है। तो अगर हम एनालॉजी लगाए तो ये भी क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं था, क्योंकि ये न्यूज में था, श्रीलंका क्राइसिस न्यूज में था, तो श्रीलंका क्राइसिस पे क्वेश्चन आना ही आना था। उसके बाद हम देखते हैं कि बिम्स्टेक और सार्क, अगर बिम्स्टेक और सार्क के बारे में हम देखें क्या पूछा है, डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन टू सार्क, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन टू, मतलब डिफरेंस पूछा कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, डिसिमिलैरिटी क्या है, हाउ इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव रियलाइज बाय फॉर्मिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में ऑलरेडी दिया है, अगर आप इसमें जाओ तो इसमें ऑलरेडी दिया है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे रीजनल रीजनल ग्रुपिंग सार्क और इसके बारे में पूछा है, SCO सार्क के बारे में पूछा है, और ये देखो कैन यू सी सार्क, कैन यू सी सार्क, दो बार तो सार्क के बारे में पूछा है, तीन बार पूछा है। ठीक है, उसके बाद में ये देखो सार्क 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 अगेन सार्क, तो ऐसा मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा बाहर से नहीं आया। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन की मॉडल आंसर प्रिपेयर करके जाते तो आप ऑब्वियसली वो क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लोगे। सार्क और बिम्स्टेक के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे बिम्स्टेक के बारे में तो नहीं दिया, आसियान के बारे में दिया है, यू नो साउथ ईस्ट एशिया के बारे में दिया है, सार्क के बारे में बहुत ज्यादा पूछा है। तो अगर आप सार्क करके जाओगे तो बिम्स्टेक तो पढ़ते हो, प्रीलिम्स के लिए बिम्स्टेक तो पढ़ते ही हो, तो ऐसे क्वेश्चन मतलब कोई बाहर से तो नहीं आए थे। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चन को कर लो जाओगे तो आप ऑब्वियसली मेंस के क्वेश्चन को भी कर लोगे। प्रीवी देखो, व्हाट इज द की टू क्रैक यूपीएससी एंड आईआर, इज दैट PYQ को करो, PYQ को ढंग से करो, बहुत प्रीलिम्स मेंस के करो, और ऑप्शनल वाले जो PYQ है सिर्फ उनसे डायमेंशन उठाओ, सिर्फ डायमेंशन की पूछ क्या रहे, उसके बाद में न्यूज पेपर को अच्छे से कवर करो जो एक साल का न्यूज आ रहा है, बस ये दो चीज कर लो आपको, बाकी सब हो जाएगा। मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं था ये बार का आईआर का क्वेश्चन, इतने भी डिफिकल्ट नहीं थे, सॉल्वेबल थे। ठीक है, मे बी ठीक है 50-60-70% तो मार्क्स फेच कर ही सकते थे हम लोग। ठीक है, चीजें आपको फॉलो करनी है रिलीजियसली, PYQ को सॉल्व करो रिलीजियसली, यू नो मेंस जो ऑप्शनल वाले जो पेपर है उसमें से सिर्फ डायमेंशन उठाओ, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डायमेंशंस देखो कि यूपीएससी किस डायमेंशन पे क्वेश्चन पूछ रही है, और उसके बाद जो न्यूज़पेपर आ रहा है उसमें से नोट्स बनवा लो, इसके ऊपर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका इंटरनेशनल रिलेशन वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, चलो बाय।